Good morning, everyone. कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत सेहतमंद और स्वस्थ होंगे। आज सूर्य नारायण भगवान और ये आकाश देखिए कितना सुंदर, ब्यूटीफुल। तो आइए, ज्योति का जननी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये मेरे टमाटर के सुंदर फल हैं, तीसरा काफ़ी सारे फूल भी आ रहे हैं और वो ऊपर ला दिया है, जो नीचे था ना सारे रैबिट खा गए थे। ये देखिए है मेरा पूरा नष्ट हो गया प्लांट, एक ही दिन में सारे ऐसे मुरझा गए। पता नहीं कोई ऐसे जीवात हो गई है, क्या बोलते हैं, इंसेक्ट, आई डोंट नो, पूरा खा गए मेरे प्लांट को। इनका बहुत अच्छा अपडेट है। आज संडे है और 2:10 हो गए हैं और संडे के दिन ये सारे कपड़े फोल्ड करने हैं। थोड़ा खाना खा के आते हैं और फिर इसको फोल्ड करते हैं। तो चलिए मेरे साथ थोड़ा खाना खा लेते हैं। मैंगो कट करके खाते हैं संडे के दिन और खिलाते हैं सबको। आप मैंगो काट के खाते हैं या पूरा ऐसे ही खाते हैं? बेटों को मैं काट के देती हूँ क्योंकि उसके ब्रेसिस के काट लिए, और मैं तो ऐसे ही खाती हूँ। बहुत अच्छी है। खाइए, आप भी खाइए। क्या कर रही थी मैंने? खबर आप पोस्ट करते बेटा। कपड़े फोल्ड कर रहे हैं। मैंगो सब कुछ खा के आ गए और अब ये सब फोल्ड करके वीक कहाँ फिनिश हो गया पता ही नहीं चला। काम करते हैं तो थोड़ा बिजी रहती है लाइफ, तो अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा लगने के साथ साथ थकावट भी हो जाती है ना। पूरे 9 महीने से बिल्कुल घर में ही थे। लास्ट ईयर तो थोड़ा थोड़ा जाने को भी बाहर मिलता था, लेकिन बिल्कुल 9 महीने तो घर से निकले नहीं है, तो थोड़ा टफ लगता है अभी।
जी शॉर्ट हेयर कैसे लगते हैं आप लोगों को? ये मिडल पार्टिंग अच्छा लगता है या मैं ऐसा पार्टिंग करूँ तो अच्छा लगेगा? अभी धोए हैं ना तो सिल्की है तो रहते नहीं है। ये अच्छा लगता है। ओके, थोड़ा थोड़ा चेंज करती रहती हूँ तो एक साइड से ही सारे सारे बाल या दुखने ना लगे। अभी एक साइड यहाँ पार्टिंग करते हो तो ये एरिया थोड़ा दुखने लगता है तो मैं थोड़ा थोड़ा चेंज करती रहती हूँ। आपको दुखता है किसी को मुझे बताना। तो ये सारे कपड़े फोल्ड करके आपसे मिलती हूँ फिर। सारे कपड़े फोल्ड हो चुके हैं, अब उनको सबके रूम में ले आएंगे। तो अपने अपने तरीके से सब लोग उनको अपने कबर्ड में रख देंगे। बाल थोड़े डैम्प होते हैं ना, बहुत ड्राई नहीं हो चुके, थोड़ा सा 1% 2% थोड़ा पानी होता है तब मैं इस स्प्रे बालों में कर देती हूँ तो उसमें बहुत अच्छी मंद मंद स्मेल आती है तो पूरा वीक उसकी स्मेल रहती है बालों में, एकदम से शांत और मोगरे की खुशबू है, लीली मोगरा और अच्छी स्मेल है। आप भी कभी ट्राई करना, बहुत अच्छा लगेगा आपको, आपका मूड हमेशा फ्रेश रहेगा खुशबू से। थोड़े गीले गीले बालों में एक स्प्रे लगा देना। तो ये मैं करती हूँ, आप भी ट्राई करना कभी। आज ये सारी सब्जियाँ दो डालेंगे और कल के लिए प्रिपेयर कर लेंगे खाना बनाना। इतनी सरस धनिया है और ये है भिंडी और ये है अच्छे से सारी सब्जियां इस बार एकदम फ्रेश आई हैं। तो आइए चलते वॉश करके एक साइड रख देते हैं और फिर कटिंग करके कल की तैयारी आज से शुरू कर दे क्योंकि मॉर्निंग में फिर टाइम नहीं मिलता ना। आज मैंने कॉफ़ी विद आइसक्रीम बनाया है और अभी उसका मज़ा लेंगे। लीजिए आप भी मज़ा लीजिए, मैंने भी बनाया है, आप भी बना के एंजॉय करना और एंजॉय करते करते मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं कल के व्लॉग में। तब तक सब सही सलामत रहे, स्टे ब्लेस, स्टे होम और हेल्प इच अदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।